आज बनेगी आलू की थिचवानी। हेलो गाइस, पर हमारी लस्सी हो रही है तैयार। जाने कैसा जानवर है। बादलों के बीच से हिमालय देखिए थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, जो भी कहां कहां घुस जाते हैं देखो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और पिछले कुछ ब्लॉग में मैं लगातार आपको बोल रहा था कि बारिश नहीं आ रही है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हमारे पहाड़ों में भी बढ़ गई है। लेकिन फाइनली पिछली रात से लगातार यहां पर बारिश हो रही है और मौसम देखिए सुबह सुबह का क्या ही सुहावना मौसम हो चुका है और ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है। चारों साइड कोहरा छाया हुआ है तो इस वजह से ज़्यादा कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। एक बार फिर से जैकेट और हुड की ढूंढ करनी पड़ेगी, वो पहनने पड़ेंगे तभी जाके हम कहीं जा पाएंगे, आपको कुछ दिखा पाएंगे। तो गाइज अभी हुड पहन लिया है, हल्के हल्के बारिश अभी आ ही रही है, लेकिन क्या करें, बारिश आए चाहे तूफान आए, अपनी ड्यूटी तो करनी है गौशाला तक पानी ले जाने की। तो गाइज एक ड्यूटी कम्प्लीट हो चुकी है गौशाला पर पानी लाने की और दूसरी ड्यूटी शुरू हो चुकी है इनको जंगल चराने के लिए ले जाने की। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं पंगलोल स्टेडियम में और देखिए चारों साइड सिर्फ कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है और बारिश का टाइम आए, मानसून का टाइम आए और जोंक ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने परसों भी आपको बताया था, तो आज भी जैसे ही मैं आया तो यहाँ मेरे पैर के नीचे जोंक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसने निकाल दिया, वाह यार गणेश ने एक शॉट में निकाल दिया उसको। तो ये जोंक अभी अभी मुझे लगा था, इसीलिए इसने ज़्यादा खून नहीं खाया, तो अभी काफ़ी बारीक है। अगर मुझे 5 मिनट बाद ये पता चलता ना इस जोंक का, तो ये मेरा खून खा के इतना मोटा हो जाता ना। और यहाँ देखिए पूरी पिच में हमारा पूरा पानी पानी आज हो गया है, तो आज शाम को पता नहीं क्रिकेट खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बारिश कल रात को हुई होगी। और जो मैं कोहरा बोल रहा ना, चारों साइड कोहरा ही कोहरा है, तो बचपन में इस कोहरे से भी हमको बहुत डराया करते थे, हमसे जो थोड़ा बड़े थे बोलते थे ये भी एक तरह का बाघ है, कोई उड़ू बाघ इसको हम कड़वा लिया बोलते थे। तो भी डर दो रहे, आज की जनरेशन नहीं डरने वाली है। तो गाइस जिस चीज़ का डर था वही हो चुका है, यहाँ पर जोंक ने खाया होगा तो पूरा खून खून हो चुका है। जोंक तो नीचे गिर गया, लेकिन जोंक के काटने के बाद कुछ टाइम तक खून बंद ही नहीं होता है, तो अभी भी खून आ ही रहा है वहाँ पर। और अभी हमने जस्ट जंगल में एंट्री कर ली है, तो अभी पता नहीं कितने जोंक आज लगने वाले हैं। तो गाइस मैंने बोला ही था आज पता नहीं कितने जोंक लगने वाले हैं, तो आप देखिए एक छोटा सा जोंक फिर लग चुका है, अभी तो छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन जब खून खा लेगा ना उसके बाद इसका साइज़ देखोगे आप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन उतना साइज़ दिखाने के लिए अगर मैं रखूँगा इसको तो ये मेरा जीना ही हराम कर देगा। अट जा, ये निकल चुका है और देखिए थोड़ा बहुत खून भी निकल गया वहाँ पे। पैरों पे ध्यान ना दीजिए, पैर थोड़ा काले हैं। और गणेश तो चौंक को खाता भी है, और ये गणेश नमक के साथ नहीं। तो गाइज़ आप देखिए एक और जोंक पैर पे आ चुका है और इन जोंकों ने आज मेरी बहुत हालत ख़राब कर दी। वो तो अच्छा है मैं पहले ही देख पा रहा हूँ, थोड़ा भी खुजली हो रही है, निकल गया। तो एक जोंक ने तो खून खा ही लिया था, लेकिन जो और 3-4 जोंक मैंने और निकाले उन्होंने ज़्यादा खून मेरा नहीं खाया है, वो मैंने पहले ही देख लिए। और देखिए भाई साहब क्या चमचमाती हुई धूप लग गई, सुबह ऐसा लग रहा था कि आज पूरे दिन भर बारिश रहेगी, लेकिन देखो मौसम का पहाड़ों में कुछ पता नहीं चलता, ये मैं हमेशा आपको बोलता ही रहता हूँ। तो चलो अब धीरे धीरे घर की ओर बढ़ते हैं, हाँ नहीं तो ये जोंक शायद मुझे घर जाने लायक भी नहीं रखेंगे। तो गाइस जैसे अभी गणेश लगा हुआ है ना यहाँ पर, पानी में खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, हाथ गंदे हो रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, बस उसको खेल से मतलब है। तो बचपना ही ऐसा कुछ होता है कि आदमी को किसी और चीज़ से मतलब नहीं रहता, बस उसको खेलने से मतलब रहता है। और ये बचपन एक बार चले गया तो दोबारा कभी लौट के नहीं आता, बस यादें ही रह जाती हैं। और सिर्फ मैं बोलूँगा बचपन ही नहीं, बल्कि जिस दिन में आज हम हैं अगर इसको हम खुल के नहीं जिएंगे तो ये दिन गुजर जाएगा, दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा और बस यादों में ही ज़िंदा रह सकता है। तो इसीलिए कैसा भी दिन हो उसको खुल के जियो, मज़े करो। तो गाइस मेरे तो नीचे पैर पे ही जोंक लगे, लेकिन गणेश बोल रहा है कि गणेश के यहाँ तक जोंक चले गया था, तो जोंक भी कहाँ कहाँ घुस जाते हैं देखो। यहाँ पे लाल लाल जहाँ पर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर जोंक लगा था। और गणेश को कैसे पता चला है? ऐसे।
ऐसे खुजली हो रही थी। चल मेरा हीरा, चल मेरा मोती ढांगा घोर झोला। तो गाइस आज सिर्फ जोंक का दिन है। शायद आज देखिए बैलों को पानी पिलाने के लिए मैं बाल्टी लाया और उसमें भी जोंक निकला। निकाल निकाल निकाल। तो गाइज अभी बैलों को गौशाला पर बांधने के बाद आ चुका हूँ मैं घर पे और अभी पी रहा हूँ चाय। और चाय को थोड़ा बहुत साइड में रखते हैं क्योंकि आपको यहाँ से खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखो, तो आज जो सामने केदार घाटी की धुंध है वो पूरी बारिश के कारण हट चुकी है। वहाँ पर बादल काफ़ी देखने को मिल रहे हैं आज भी, लेकिन बादलों के बीच से हिमालय देखिए थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, तो बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं, क्या पता वहाँ से बादल हट जाए और पूरा हिमालय सही से नज़र आए। तो इंतज़ार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं पापा के द्वारा तैयारी शुरू हो चुकी है। आज बनेगी आलू की थिचवानी। और जो ये आलू आपको नज़र आ रहे हैं तो इस साल के नए नए आलू हैं हमारे खेत के। और जिन लोगों को पता नहीं है आलू की थिचवानी कैसे बनती है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो आलू है उनको ऐसे, जो हमारा सिलवट्टा है उसमें थिचना है बोले तो बारीक करके कूटना है। वैसे आलू की सब्ज़ी है ये भी, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं और इसका भी अलग ही टेस्ट होता है। बोले समोसा और ये आलू का थिचवानी सरल काम है, सरल है ये, जितना सरल है उतना स्वादिष्ट भी तो है। और सिलवट्टे में मतलब जो भी चीज़ बनती होगी ना वो मुझे लगता है स्वादिष्ट जरूर होती होगी, क्योंकि हमने ज़्यादा चौंसा और यही खाया है। और जो भी है धीरे धीरे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ जो भी हम खाते पीते रहते हैं। फोटू भी है हमारे साथ। तो हमने जब लगभग कितने 10-12 आलू, छोटे छोटे आलू थे, उनको ठेंस दिया है। और जो इनका टेस्ट आता होगा ना, तो आपने देखा होगा जैसे आलू के ऊपर से मार रहता ना उसको, उसका पूरा जो रस है वो निकल रहा था, तो उसका टेस्ट अलग ही हो जाता है इस वजह से। तो आलू की सब्ज़ी जो नॉर्मल बनाते हैं उसमें तो टेस्ट होता ही है, लेकिन अगर आपने कभी थिचौड़ी नहीं बनाई है तो ज़रूर एक बार ट्राई कर लेना। अभी आगे और प्रोसेस भी बता देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर भात बन चुका है और यहाँ पर पापा ने चूल्हे में कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल गर्म हो रहा है और उसमें तुड़का मारेंगे हम। किसका? प्याज टमाटर का तुड़का नहीं मारेंगे, बल्कि जो हमारे यहाँ सरसों होता है जिसको गढ़वाली में हम घरिया बोलते हैं, तो घरिया का तुड़का इसमें हम लगाने वाले हैं। और इसमें अभी डाल दिया है हमने सरसों, और इसको हम गढ़वाली में बोलते हैं चिड़ौन। और पापा मसाले इसी में डाल रहे हैं तेल में। तो अपना अपना तरीका है अलग अलग बनाने का। तो वो मिक्स मसाले ये हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं, धनिया है, मिर्च है, जो भी होता है मसाले में। अब डालेंगे ये आलू। तो गाइस अभी इसमें नमक मसाले हल्दी उल्दी जो भी है सब चीज़ डाल दी है। तो अब इसको थोड़ा बहुत भूनेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा गर्म पानी, वैसे ठंडा पानी भी डाल सकते हैं लेकिन गर्म पानी डालोगे तो जल्दी बन जाएगा, तो इसीलिए हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। तो गाइस अभी इसमें पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद पापा ने इसको ढक दिया है, क्योंकि जो आलू हैं वो ढकने के बाद जल्दी से और अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो जब तक ये बिल्कुल तैयार होता है तब तक मैं चलता हूँ गणेश लोगों के घर पे। वहाँ पर है बस छांस, तो छांस लेने के लिए चलते हैं, क्या पता कल कड़ी बन जाए। तो गाइस मिल चुकी है हमको छांस, और चाची बोल रही फ्लैश लाइट बंद करवा, वो गलती से खुल रखी थी घर से। लो इधर ला। तो यहाँ पर हमारे लिए छांस आ चुकी है और इन्होंने शायद आज कड़ी चावल ही बना रखा है। ये देखो, और ये देखो खाने वाला पता नहीं कहाँ भटक रहा है। तो चलो अभी छांस लेके घर चलते हैं और थोड़ा खाना खाने से पहले लस्सी बना लेते हैं आज। तो गाइस यहाँ पर हमारी लस्सी हो रही है तैयार। ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, छांस में मैंने बस थोड़ा चीनी डाली है। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारी लस्सी तैयार है और सामने पापा को भी हमने दे दी है। हेलो गाइस, तो अभी लस्सी का आनंद ले लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं गर्मा गर्म जो हमारा साधारण साग है, आलू की थिचौनी, वो बन के बिल्कुल रेडी है। और उसके साथ हमने यहाँ पर प्याज भी रखा हुआ है थोड़ा बहुत खाने के लिए। और इसमें हमने प्याज का तुड़का नहीं मारा था, बल्कि मारा था इसमें हमने सरसों का तुड़का, जिसको गढ़वाली में हम चिड़ौन भी बोलते हैं। ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमने इसको नहीं बनाया है, बल्कि जितना साधारण तरीके से हम बनाते हैं वही मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आप भी अपने घर पर बना सकते हो बड़े अच्छे तरीके से, जितना हो सके मैंने आपको बताया है।
तो चलो ज़्यादा इसको ठंडा करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, गर्मा गर्म खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो खाते हैं और आपको मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइज़ अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी मैं खेत के रास्ते जा रहा हूँ जहाँ पर हमारी लोकल दुकानें हैं रोड पे, क्योंकि वहाँ पर मेरा काम है। और काम ये है, ये आप थैला आप देख सकते हैं, इसमें है गेहूँ। तो गेहूँ को पिसवाने के लिए मैं वहाँ पर थैला लेके जा रहा हूँ और मेरे साथ जा रहा है ये। इसको मैंने बोला भी था कि आज बैल लेके जा, बैल क्यों नहीं लेके? अकेला किसके साथ जाऊंगा मैं तो ये आज बैल नहीं लेके गया है, बल्कि बोल रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो मैंने बोला चल चलना है, तो वैसे तुझे अपने पैर से चलना है तो मेरे को क्या दिक्कत होने वाली है। और मौसम देखिए आप, सुबह कैसा मौसम था और अभी देखिए पूरा आसमान नीला नज़र आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर बादल हैं। और हमारे गांव से भी देखिए धूप जाने वाली है। और यहाँ पर हमारे साथ संजू भाई भी जाने वाले हैं, तो आज कोच साहब भी क्रिकेट खेलने नहीं गए, प्लेयर ही नहीं है, तो वहाँ पर कोच साहब क्या करेंगे। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं रोड पे और बैठे हैं संजू भाई लोगों की दुकान पे। और दुकानदार संजू भाई नहीं बल्कि गणेश है यार। और यहाँ पर निकू कचरी खा रहा है। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर है तमणिया। हेलो गाइस, तमणिया तू भी बोल हेलो गाइस। ए बोला तो भी बोल, बहुत तो ये नहीं बोल रहा है, ये है शायद मालकी गांव का। और ये देखो इसके हाल कहाँ जाएगी बचके, हैं बचके कहाँ जाएगी बस बस उन आ जाए गड़ी। तो गाइस जो थैला था उसको हमने भेज दिया है सामने ट्रक में। और यहाँ पर एक छोटा भाई हमको सब्सक्राइबर मिला था। तो चलिए गाइस संजू भाई ने भी शटर लगा दिया है, तो चलिए तमन्ना टाटा टाटा निकू निकू को और एक हमारा सब्सक्राइबर देखिए सामने जा रहा गाड़ी लेके अपना, ये देखिए टाटा हेलो गाइस। न जाने कैसा जानवर है, जितना खाओ भूख बढ़ती ही रहती है। तो गणेश को बल जितने बर्थडे में पैसे मिले थे उसने वो सब उड़ा दिए। और देखिए कैसे खा रहा बंदरों की तरह मतलब पक्का इंसान के रूप में बंदर। वैसे पूर्वज भी हमारे बंदर ही थे, बल सुनने में आया है हमारा इतिहास बताता है। तो गाइज अभी हमेशा की तरह बैठ चुके हैं हम अपनी पाटाधार बिसौन पे और यहाँ पर थोड़ा एपी का आनंद लिया जा रहा है ठंडे ठंडे मौसम में। और क्या कैसे था कुछ मिलो नोच। और उसके साथ आनंद लिया जा रहा है पास्ता का। और गणेश को थोड़ा पिलाया था मैंने, ये गणेश परसों की तरह फिर बोल रहा है आंसू आ रहे हैं, बोले इसको पीते ही काला काला आ रहा है क्योंकि अंधेरा अभी होने वाला है। तो चलिए अभी एपी और पास्ता का आनंद लेते हैं और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी शानदार वीडियो सीधे पहाड़ से मैं आप लोगों के लिए लाता ही रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड जय भारत टाटा बाय बाय।